नमस्कार। सो वंस अगेन, और हम बात करते हैं हमेशा क्वालिटी की। तो यूपी का एक कॉलेज, जैसे मैंने आपको मीनाक्षी मेडिकल का बताया था, इसी तरह यूपी का सरस्वती उन्नाव। और देखिए, पीछे से लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि शायद यूपी की प्रायोरिटी लिस्ट का मैंने वीडियो नहीं बनाया था, और अब मैं बनाऊँगा तो आपको लगेगा कि ये तो सर को सर अब बाद में बता रहे हैं। लेकिन जो यूपी के यू नो एग्जैक्टली 31 कॉलेज बचे थे और अब 30 बचे हैं, तो उन 31 में से 3 नॉन माइनॉरिटी के और 2 माइनॉरिटी के, 5 कॉलेज हम कहते हैं जो बिल्कुल रेड फ्लैग है, बिल्कुल रेड फ्लैग हमारी लिस्ट में। उस पर ना जैसे, तो उसमें क्या है ना कि SRM बरेली इज़ लाइक, जो मैं हमेशा कहता हूँ, टॉप 10 ऑफ नॉर्थ इंडिया, टॉप 5 ऑफ नॉर्थ इंडिया एक्चुअली, एंड डेफिनेटली द टॉप 50 जो Tier 1 है SRM बरेली। उसके बाद शारदा से भी आप अच्छे कॉलेज की श्रेणी में आ जाते हो, लेकिन ग्रेट वाले में नहीं। तो हमारे यहाँ हम 4 कलर कोड करते हैं यूपी के कॉलेजेस को लेके, कि SRM का अलग ही कलर कोड है, उसके बाद एक ग्रीन कलर कोड है, एक येलो है और एक रेड है, जिसमें 5 आते हैं। तो आज आपको मैं बाकी नाम भी बता देता हूँ, ताकि कल को अगर उनकी भी चली जाए तो आपको हैरानी ना हो। तो सरस्वती उन्नाव के अलावा हमने बोला था हम स्टूडेंट्स को कि NCR मेडिकल कॉलेज और वेंकटेश्वर गजरौल से बिल्कुल दूर रहें, ये भी कभी भी बंद हो सकते हैं, इस साल नहीं तो अगले साल। इसका मतलब मैं आपको जो समझाता हूँ हमेशा, कि आपका बैच तो पूरा होगा, लेकिन जब कॉलेज के पास कुछ पैसे नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो क्या तो पढ़ाएंगे वो आपको, तो क्या तो आप नेक्स्ट क्लियर करोगे। तो वेंकटेश्वर गजरौला और इससे भी बचे जो NCR है, और मैंने कहा ना कि उन दोनों से तो अच्छा है कि आप बजट कम है तो आप अब्रॉड चले जाइए, अब्रॉड में कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया वगैरह में जो फिर भी पढ़ाएंगी। इन दोनों के ओनर्स ने तो डिसाइड ही कर लिया पढ़ाने से मना करके, और उनका मन अब ये है कि बस जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो, मतलब कॉलेज तो बंद ही होना है, क्योंकि मैंने बोला कि उनका हॉस्पिटल नहीं चल रहा। और ऐसे ही अब राजस्थान का भी फाइनली, जो मेरे पास राजस्थानीज़ का फ़ोन आता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई MGM तो खैर भाई टॉप 5 हो गया नॉर्थ इंडिया का, अमेरिकन गीतांजलि SS तांतिया शारदा वाली आदेश कुरुक्षेत्रा वाली श्रेणी के, मतलब ठीक ठाक कॉलेज, इनके अस्पताल भी चलते हैं, शहरों में भी हैं, सब कुछ ठीक है। NIMS जयपुर भी ठीक ठाक है, JNU जयपुर भी कहीं जाने वाला नहीं है, वो थोड़ा थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा, और वहाँ से अनंता। लेकिन जो पैसिफिक के दोनों कैंपस हैं राजस्थान के, वो सेम सिचुएशन है कि उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उनमें से एक का वाकई इस साल पहले ही सीट मैट्रिक्स या सीट्स काउंसलिंग से राजस्थान की हटा ली गई हैं। सो पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर को भी हटा लिया गया है, और वहाँ से सरस्वती उन्नाव को हटा लिया गया है। फिलहाल हरियाणा में काउंसलिंग चालू हुआ है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हरियाणा के भी 2 कॉलेज, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर और NC पानीपत का कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूपी में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेंकटेश्वर गजरौला और NCR का कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पैसिफिक के दोनों कैंपस का अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, सिमिलरली मध्य प्रदेश में डेफिनेटली महावीर कॉलेज का भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। बाकी फिर भी अभी चलेंगे, बट अगर उनको सबसे पहले किसी को बंद करना है तो महावीर का ही नंबर आएगा। और इस तरह हर स्टेट्स के कॉलेजेस हैं कुछ, जिनको आपको पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए, कि वो आज इस साल नहीं तो अगले साल बहुत जल्दी वो बंद हो सकते हैं, मतलब NMC रोक देगी। वो पास करेंगे बैचेस को, लेकिन बच्चों को बहुत दिक्कत होगी ना, जब कॉलेज के पास फंड ही नहीं आएंगे तो फैकल्टीज को सैलरी कहाँ से देंगे। तो इस तरह से सोच समझ के अपने कॉलेज का चयन कीजिए। आई एम ए बिग फैन कि आपको इंडिया में पढ़ना चाहिए, अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहिए, लेकिन आप इंडिया में घटिया कॉलेज में अगर पढ़ने वाले हैं, तो चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, उन ऑप्शंस को भी दिमाग में रखिए। अब टाइम आ गया है, और मैं हमेशा कहता हूँ और 15 दिन आप सो सकते हो, महीना सो सकते हो, अगर सेम तक कोई जल्दी नहीं है, पासपोर्ट बनवा लो बस, और कुछ नहीं करना आपको अभी, और सोचो, कट ऑफ्स को देखो, बट अच्छे कॉलेज में ही जाइए। और हमारी इस तरह की सलाह लेकर आप अच्छे कॉलेज में पहुँचना चाहते हैं, ऑप्टिमल कॉलेज में पहुँचना चाहते हैं, कॉल अस ऑन 9643362320, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। फर्स्ट कॉल के 2500 रुपये होते हैं फ़ोन कॉल के, 5000 रुपये होते हैं फेस टू फेस मीटिंग, मैं डेली बैठता हूँ, एंड देन वी डिसाइड हाउ टू मूव फॉरवर्ड। और इसी तरह की हम अच्छी एडवाइस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी देते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरी तो गवर्नमेंट सीट आ रही है तो मुझे काउंसलर की ज़रूरत नहीं है, आपको काउंसलर की भी उतनी ही ज़रूरत है। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।